मेरा दिन ही नहीं। मानो किया चालू थर्ड टेक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स बीन वेल 4 days सिंस आई एक्चुअली व्लॉग, क्योंकि हम लोग ने वीकेंड में शादी अटेंड किया एंड देन वी वर रिकवरिंग फ्रॉम इट। सो आज फाइनली आई एम व्लॉगिंग। नॉट इंटरेस्टेड। और आज का दिन इट्स ट्यूसडे, बैक टू वर्किंग। तो अभी बस वही चल रहा है, ऑलरेडी लाइक स्टार्टेड वर्किंग। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है एंड आई थॉट आई विल टेल यू समथिंग। आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? सो मेरे खाने में इफ़ देयर इज़ एन आइटम लाइक 4-5 चीज़ें हैं, तो मेरे को जो सबसे कम पसंद है वो मैं पहले खाना शुरू करूँगी और फिर टूवर्ड्स दी जो बेस्ट टेस्ट है आपका लास्ट तक रहना चाहिए। सो ड्राई फ्रूट्स में काजू इज़ समथिंग विच इज़ माई लीस्ट फेवरेट, क्योंकि उसमें आई डोंट नो मेरे को ज़्यादा कुछ टेस्ट लगता नहीं है। एंड द लास्ट वंस आर पिस्ता और एक्चुअली खजूर, जो एक आपको लास्ट में स्वीटनेस देती है। बट विद दैट गो बैक टू वर्क। बहुत अच्छा। Well, we're just taking a walk। खाना खाने के बाद अब तो मेरे को भी रेगुलर चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कल खाना खाने के बाद आई गॉट सो मच एसिडिटी कि पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो आज आई हैव टू फिनिशिंग अप माई एडिटिंग। और मम्मी आई हैं तो उनकी बातें चल रही है मस्त में। तो मम्मी फोन में पड़ी जा मम्मी खाली एटलू ज कर, तो खाली आ मैं बोले नहीं काई बस मम्मी जस्ट गई मस्त अच्छा खासा लंबा टाइम बैठने के बाद। और गौरव तूने देखा, मैं देखो स्टोरी में कुछ तो भेजा है। हाँ देखा मैंने, गुड़गांव में। अरे बट दैट अकाउंट कैन गेट अस लाइक देयर आर सो मेनी। आई शो व्हाट इट्स सच अ क्यूट पपी। सी दिस वन, ये तो नहीं। सी दीज आर सो, भाई ये तो नहीं। अरे ये ऑलरेडी किसी का है। These are so cute. पूछ के देख। अभी मेरे को लग रहा है कैमरा चालू इसलिए बोला, वरना आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग हिम लाइक फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही सेड। और इसने मन में मेरे इसने ही डाला, इस कवीने ने ही पुट इट इन माई हेड कि नहीं नहीं अभी तो डॉगी इज लाइक सो क्यूट, चाहिए। एंड देन आई गॉट कम्प्लीटली रेडी, तो आके मुझे मन नहीं मान रहा। मन नहीं मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से, हो जाएगा सब। तो मैंने सब सोच के थरली सब कुछ करके देन आई गॉट रेडी एंड नाउ अब पता नहीं यार। एंड इट्स लाइक बिकॉज ऑफ कैमरा ही सेड कि हाँ ठीक है पूछ के देख। और एवरी टाइम मैं पूछ के देखती हूँ और उसके बाद कुछ नहीं होता। ही जस्ट वुडंट गेट मी अ डॉग, बट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Some nice clouds are on our dinner time and aaj ekdam pakka gujarati kathiyawadi whatever khana ban raha hai, bajre ka rotla aur kadhi। और पहले बहुत मज़ा आता था ये चीज़ खाने को, क्योंकि गांव में चूल्हे पे लकड़े में और वो मिट्टी के चीज़ में बनता था। बट हमारा मिट्टी का थिंग ब्रोक, सो वी हैव टू डू इट ऑन दिस। देसी तरीका ऑफ मेकिंग रोटला गुजरात में मम्मी मेरे को
वहाँ चूल्हे के सामने बैठ के ये सिखाती थी. एक्चुअली नॉट इवन मम्मी, आजू बाजू के नेबर्स के पास जाके मैं बैठ जाती थी एंड दे वुड लाइक टीच मी टू डू दिस. क्योंकि गुजरात एंड स्पेशली आई थिंक नॉर्थ गुजरात में ये स्टेपल फूड है. बाजरा वहाँ खाया जाता है ना बेसिकली, जहाँ रण होता है. हमारा वो थोड़ा सा इसके लिए बनाने के लिए दूसरा चीज होता है मट्टी का. हाँ बट वो हमारे पास फिलहाल है नहीं, और एक जो था वो टूट गया. ये मेरा देसी फेवरेट खाना, अगर देसी खाने में बोला जाए तो कढ़ी रोटला एंड जैगरी. और बेसिकली हम लोग कितना रोटला बनाने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो उसमें ये इतना है, इसका आधा खत्म हो जाएगा. कुछ मानसी को कम से कम एक वाटी चाहिए रोटला के साथ. मैं डालती भी नहीं होगी उसके साथ कुछ भी. बोलेगा मतलब इसमें आई डोंट थिंक वो होगा, बट जब लोडी होता है तो उसमें क्या होता है, इसका एक ऐसा फूक जाता है, कड़क पपड़ी बनता है उसका. सो वी आई व्हाट आई डू इज नॉर्मल जो सॉफ्टर पार्ट है उसको ऐसा क्रश करके कढ़ी में खाने का एज अ दाल राइस जैसे खाते हो वैसे, और वो पपड़ी पे मस्त घी लगा के एज अ पापड़ खाते. अरे यार ये चालू क्यों नहीं हुआ था? अरे एक मिनट, तेरा दिन ही नहीं. मानो किया चालू. थर्ड क्योंकि घर फॉरगॉट टू स्विच. चालू किया था वो नहीं हुआ था कुछ भी. बट एनीवेज आई वाज सेइंग हो गया था चालू. नहीं आजकल तो हमको अप्रैल की भी जरूरत नहीं, गौरव ऐसे ही अप्रैल फुल बनाता रहता है मेरे को इस चीज से. वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइज. मैं धीरे धीरे वापस वो रिदम ऑफ व्लॉग्स में जा रही हूँ, सो इट विल बी बैक आई होप सो. कल से वापस कैमरा यूज़ करना शुरू करना है एंड या सो जस्ट गेटिंग बैक इन टू द रूटीन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.